पास आता है न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट का पैक, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम प्रोडाइट पाउडर, न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम च्यूएबल टैबलेट और न्यूट्री चार्ज स्वीटनर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम टैबलेट, न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम टैबलेट। अब न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम टैबलेट जो है दोस्तों, इसके अंदर 12 हर्ब्स डले हुए हैं, 12 तरीके के जड़ी बूटियां डली हुई। ये 12 तरीके की जो जड़ी बूटियां है ना सर, ये प्रमाणित है कि इसके बारे में प्रमाणिकता है कि भाई ये जो है वो शुगर को कंट्रोल करने मदद करती। जैसे अगर आप देखो, ये आंवला है, ये बेल है, ये जामुन है, ये पाइपर नाइग्रम है। पाइपर नाइग्रम होता है काली मिर्ची, ठीक है, काली मिर्ची पाइपर नाइग्रम। इसके बाद ये पाइपर लॉन्गम है, पीपली बोलते हैं हमारे पंजाब में इसको, मग बोलते हैं। इसके बाद में ये अदरक है, उसके बाद में गिलोय है, करेला है, उसके बाद में इसको बोलते हैं गुड़मार, जिमनेमा सिल्वेस्टर जो होता है इसको बोलते हैं गुड़मार, राइट। उसके बाद में ये ग्लाइसराइजा ग्लाबरा है, राइट, मतलब ये सारी चीजें सर, ये 12 हर्ब्स है। ये 12 हर्ब्स जो है ये क्या काम करती है सर, लिख लीजिए। सबसे पहले आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को कम करती है। अब खाना खाया तो शरीर ने उसको ग्लूकोज बनाया, बिल्कुल सही, और वो पचेगा शरीर के अंदर कब जाएगा, जब वो आंतों के जरिए अवशोषित होगा, ठीक है। तो आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है, जिससे क्या होता है शरीर में ग्लूकोज कम घुसता है। अगर खाया और निकल गया फिर तो शरीर को नहीं जाएगा, लेकिन अगर आंतों ने उसको अवशोषित कर लिया, सोख लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, तो फिर वो चला जाएगा शरीर के, फिर वो रक्त के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये 12 चीजें क्या करती हैं, आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर, पहला बात। दूसरा, पैंक्रियाज में बीटा कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं और सुरक्षित रखते हैं। मतलब पैंक्रियाज होता है जहां से वो इंसुलिन बनती है, और इंसुलिन के सेल जो होते हैं जो ग्लूकोज के साथ मिलते हैं उसको बीटा सेल्स बोलते हैं, राइट। तो पैंक्रियाज को प्रेरित करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर पाए ऊर्जा। तीसरा पॉइंट लिखिए, शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। हमारे शरीर में एक पुर्जा होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। तो वो इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में अच्छी तरीके से काम करे उसमें मदद करता है। और दो चीजें डली हुई हैं, काली मिर्ची और साथ में पाइपर लॉन्गम, जिसको हम लोग पीपली बोल देते हैं या पंजाबी में मग बोल देते हैं। ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों इन सभी 12 पोषक तत्वों को पचाने व अवशोषित करने का काम करते, पचाने और अवशोषित करने का काम करते। अब आता है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम प्रोडाइट पाउडर। न्यूट्री चार्ज ग्लाइसियम प्रोडाइट पाउडर के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला सोया प्रोटीन है। तो सोया प्रोटीन का पहला काम क्या होता है, सोया प्रोटीन क्या करता है, मसल्स की रक्षा करता है, मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। क्योंकि क्या होता है, जिसको शुगर हो चुकी होती है ना सर, उसका जो पेशाब होता है, यूरिन होता है उसका, वो हल्के से सफेद कलर में हो जाता है और उसके अंदर बड़ी बदबू आती है। आमतौर पे डॉक्टर जो है उसका यूरिन चेक करवाते हैं, काहे के लिए कि इसका एल्ब्यूमिन कितना है। एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन के जरिए निकलना शुरू हो जाता है सर, और एल्ब्यूमिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। इनके कारण मांसपेशियां कमजोर होती है, वो बंदा कमजोर हो जाता है। जब बंदा कमजोर होता है तो इतनी सारी बीमारियां शरीर पे अटैक करती। तो अगर वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन खाता है जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसियम प्रोडाइट में डाला हुआ है, तो उसकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती है, धीरे धीरे प्रोटीन जो निकल रहा है उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है सिनेमन। सिनेमन बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी जो है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को मदद करती है ताकि वो ग्लूकोज का अवशोषण कर सके, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ना रहे। ब्लड में रही हुई ग्लूकोज किसी भी अंग को कभी भी खराब कर सके। तो इसीलिए शुगर का बढ़े रहना हमेशा खतरनाक होता है, ब्लड शुगर का बढ़े रहना हमेशा। तो क्या करता है जो दालचीनी है, ये क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज शुगर अपना ब्लड के अंदर घूम रहा है, रक्त के अंदर घूम रहा है, उसको जल्दी से अलग अलग कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करवा देते हैं। तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया ये साउथ इंडिया में होता है, इसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है। ये फैट के जमाव को रोकता है और पहले से जमा फैट को जलाने में मदद करता है, पुराने फैट को पिघलाता है, ठीक है। चौथा इसमें डला हुआ है कॉफी पाउडर।
कॉफी पाउडर जो है ये ग्लूकोज टॉलरेंस में मदद करता है, और टाइप टू डायबिटीज, जो टाइप टू डायबिटीज उसके जोखिम को घटाता है। और पांचवी और लास्ट चीज जो न्यूट्रीचा ग्लाइसिन में डली हुई है, न्यूट्रीचा ग्लाइसिन प्रोडक्ट पाउडर में डली हुई है, वो है फाइबर। फाइबर का पता ही सर, पाचन में अवशोषण में मदद करता है और पेट को भरा भरा रखता है ताकि बार बार खाया ना जाए। जब बार बार नहीं खाया जाएगा तो बार बार शुगर नहीं बढ़ेगी। कौन ले सकता है? 18 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। 18 साल के ऊपर हम लोग कोई भी, जिसका भी ब्लड शुगर लेवल जो है, जो प्री डायबिटिक के ऊपर है, प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है, डायबिटिक है, उसको दे सकते हैं। किसको नहीं लेना है? जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, जिनको थायराइड की दिक्कत है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है और जिनकी किडनीज का प्रॉब्लम है, उनको हम लोग न्यूट्रीचा प्रोडाइट पाउडर नहीं दे सकते, न्यूट्रीचा ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं दे सकते, टैबलेट दे सकते, अकेली टैबलेट दे सकते। और आपको पता है अकेली टैबलेट भी सेल पे है। कई लोग बोलते हैं नहीं सर पूरा पैक खरीदना पड़ेगा तो डब्बे का क्या करेंगे? नहीं सर, आप अकेली टैबलेट भी खरीद सकते, उसका अलग से SKU नंबर है। कैसे लेना है? सुबह सुबह उठते ही ब्रश वगैरह करके टॉयलेट वगैरह जाके एक टैबलेट को खाली पेट चबा के लेना है, उठते ही सुबह ब्रश वगैरह करके। और जो न्यूट्रीचा ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर है उसको दूध में घोल लेना है। सर पानी से लेते कोई प्रॉब्लम नहीं? पानी से लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध में यह है कि दूध में अच्छी तरह से मिक्स होकर काम कर लेना। और कब तक लेना है? जब तक ब्लड शुगर लेवल 140 के नीचे, रैंडम की बात कर रहा हूँ सर, पीपी या रैंडम, जब तक 140 के नीचे नहीं आ जाता तब तक लेना है। और मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे कंपैरिजन में, हालांकि हमने कंपैरिजन तो किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन कहीं नहीं है, फाइबर नहीं है, एंजाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आज का अपना प्रोडक्ट।